हमारे पास ओवरऑल, और रैंकिंग्स आ चुकी हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ आ चुका है स्टालवर्ट के बीच में, और टीम फाल्कन्स के लिए पहला पायदान स्टालवर्ट से सिर्फ 12 पॉइंट्स दूर है। और टीम फाल्कन्स के लिए कल के दिन बहुत बड़ा चैलेंज है। टॉप थ्री में जितनी भी टीम्स हैं, RSG, स्टालवर्ट ईस्पोर्ट्स और टीम फाल्कन्स, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक टीम चैंपियन हो सकती है। वैम्पायर ईस्पोर्ट्स को भी आप बीच में के पास 61% पॉइंट्स हैं, सो बहुत थर्ड नंबर है प्रेसेंट पॉइंट्स का, क्या उनके पास कम है। इमेजिन कल के दिन अगर वो कुछ सर्वाइवल तो उन्होंने अच्छा कर लिया अपना, कल किल्स भी अच्छे कर पाते हैं तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा फर्स्ट स्पॉट की तरफ आना। लेकिन अगले पेज की तरफ चलते हैं, आदि भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, डिलुजी और जो इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स उनमें से कोई टीम सर्वअप ना करे। लेकिन टीम सोल और 52 लिटरली ये कैसे हो सकता है कि यार, मतलब डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स एंड यूनाइटेड बाय टोटल पॉइंट्स, ईस्पोर्ट्स एग्जैक्टली यूनाइटेड बाय टोटल पॉइंट्स, बिल्कुल 55-55 के साथ दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो दोनों जो ईस्पोर्ट्स की कम्युनिटीज है उनमें बढ़ जरूर जाएगी।